खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां हंडिया में समूह की महिलाओं को दिया गया सम्मान। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर खंड विकास अधिकारी राम बहादुर यादव की अध्यक्षता में विकास खंड हंडिया के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में संचालित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया, जहां पर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए शासन द्वारा चलाए जाने वाले अनेकों योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। खंड विकास अधिकारी द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भर के प्रति स्वावलंबी बनने को लेकर प्रेरित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। ब्लॉक मिशन प्रबंधक अमित कुमार ने समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य और निरोग कर रहने के लिए प्रेरणा पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाने और उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही श्री केश कुमार ने विश्व महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को अपनी आस पड़ोस की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे गांव से गरीबों को हटाकर समूह में जुड़कर रोजगार प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर ग्राम चंद्रहा से साधना पांडे, बाला से रेखा, दुल्लापुर से सुमन पटेल, डुबकी कला से गीना देवी, विश्वकर्मा मंदिर से मैना देवी ने अपने विचार प्रकट किए। एडीओ आईपीएसबी आराम जी मिश्र ने कहा कि आज हमारे बीच मुसहर समुदाय से आने वाली प्रमिला कैसे अपना वनवासी समूह बनाकर अपने साथ साथ अपने गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। ब्लॉक मैनेजर रोमा जायसवाल ने बताया कि महिला प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरों को भी प्रशिक्षित कर समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। अपने घर के काम के साथ दूसरे दीदी को आगे बढ़ाने का प्रयास आजीविका मिशन ने किए। देखे हंडिया से प्रदीप मिश्रा की। हमारे विकास खंड के सभागार में आपसे बात करने के मात्र शक्तियों को मैं नमन करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलेगी और हर कार्यक्रम जैसे कि चलाया जा रहा है, ये लोग जागरूक हो सके कार्यक्रम का प्रचार प्रसार लोगों तक। सिर्फ आज के लिए नहीं, हर रोज महिला दिवस होता है, हर रोज उनको सम्मान मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ आज के दिन उनको सम्मानित किया जाता है, उनको हर क्षेत्र